तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी इमेज को पीएनजी इमेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोसेस को करने के लिए मैं कुछ एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। ये किसी भी इमेज को अगर पीएनजी में कन्वर्ट करना पड़े तो पिक्सेल लैब की मदद से आप बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप बैकग्राउंड इरेजर की मदद से बड़े आसान तरीके से किसी भी इमेज को पीएनजी इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने पीएनजी इमेज को एक्सपोर्ट कर लिया, लेकिन एक और बताने वाला हूं उन पॉइंट्स को अगर आप तरीके से मतलब आप आसानी से मतलब इससे भी और आसानी से मतलब किसी भी इमेज को पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करना है बड़े डिटेल के साथ मैं करने के लिए हमें सबसे पहले बैकग्राउंड इरेजर से एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ आपको इन एप्लीकेशन को कैसे यूज करें किसी भी इमेज को पीएनजी इमेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चैतन्य और आप देख रहे हैं सुपर ब्रोटेक यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, अगर वीडियो यूजफुल लगा तो दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। तो एक्चुअली आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पिक्सेल ऐप की मदद से बताऊंगा कि आप कैसे इमेजेस को पीएनजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले पिक्सेल ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ऐसा कुछ आपको इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, किसी इमेज को लोड करना है, जिस इमेज को आपको पीएनजी में कन्वर्ट करना हो उस इमेज को यहाँ पे आपको लोड करना है। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इमेज भी सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये रही मेरी इमेज जो है यहाँ पे मेरे राइट। तो देख सकते हैं यार मेरी ये इमेज यहाँ पे सेट हो चुकी है। आप बोलोगे कि यार बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक करना है। हाँ यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक करना है। ऐसे अगर क्लिक करोगे तो मेरा जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। फिर आपको जो इमेज है उस इमेज को यहाँ पे आपको लोड करना है। तो जैसे आप इस इमेज को यहाँ पे ऐड कर दोगे तो आपको जैसा चाहिए वैसे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आती है कि आप इसे पीएनजी में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसे करने के लिए गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिस ऑप्शन का नाम है इरेजर। देख सकते हैं यहाँ पे आप इरेजर पर क्लिक कर रहे हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत एडजस्टमेंट मिल जाएगी, जैसे इरेजर का साइज़, यहाँ पे इरेजर का मतलब स्मूथनेस, यहाँ पे आप सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। जो डाउन वाला है उससे भी आप मतलब एक बहुत अच्छा फीचर है गाइस, इस फीचर की मदद से आप इरेज कर सकते हो। लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कस्टमाइजेशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे इरेज कहाँ पर करना है मतलब। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं इरेज यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया हूँ। आपको बड़े आसान तरीके से इस इमेज को इरेज करना है। और अगर आप यहाँ पे जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जूम करना है जहाँ पर आप जूम करना चाहते हो। तो फिर अगर जूम का काम हो गया तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो बस ऐसे ही जूम में आप बड़े आसान तरीके से किसी भी इमेज को इरेज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड इरेज कर देता हूँ। बैकग्राउंड में इरेज करने के बाद गाइज जैसे बैकग्राउंड पूरा इरेज हो जाएगा वो हमारी इमेज वो पूरी मतलब एक पीएनजी में कन्वर्ट हो गई समझो। तो यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ। हमको आपको मतलब एक यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पार्ट यहाँ पे आपको कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है उस इमेज का। अगर आपने कोई भी कट कर दिया तो यहाँ पे आप बैक का ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट जाता है, आपको सब कुछ पहले से यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यार देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती की वजह से पूरा अंडू अगर आपने कर दिया तो यार पूरी की पूरी मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बड़े आसान तरीके से यहाँ पे कस्टमाइजेशन की कमी नहीं है, तो आपको कस्टमाइजेशन का पूरा यूज करते हुए मतलब अच्छे से आपको यहाँ पे इरेज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा मतलब एक साइड इरेज कर दिया, दूसरी साइड यहाँ पे मेरी रह गई है। तो यार जैसे आप इरेज करोगे ना तो यार ध्यान रखना है इस बात का। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया, मतलब आपको दिखाना है तो यार मैंने बस मैं यहाँ पे इरेज कराओ, यहाँ पर मुझे जरूरत नहीं है कि किसी भी इमेज को मुझे इरेज करना पड़े। तो यार आपको दिखाने के लिए मैं इस इमेज को यहाँ पे पीएनजी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉर्नर में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना उस ऑप्शन को देख कर भी आपको इरेज कर सकते हो, मतलब उसे अगर आप उसे देख कर इरेज करोगे तो आपका कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ, थोड़ा ऊपर का साइड मुझे यहाँ पे इरेज करना है। तो इस इरेजर की साइज़ में थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डाउन साइड से लेकर ऊपर से मतलब देख सकते हैं मेरा पूरा कपड़ा अच्छे से इरेज हो चुका है। तो बस मैं यहाँ पे जूम थोड़ा कट कर देता हूँ यहाँ पे और मैं डन पर क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस मेरी पूरी की पूरी इमेज मतलब पीएनजी में कन्वर्ट हो चुकी है। बैकग्राउंड मैंने आपको पहले बता दिया, आपको ट्रांसपेरेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मतलब बैकग्राउंड में कोई भी मतलब इमेज ही नहीं रहेगी। और उस इमेज के ऊपर अगर आपने एक और इमेज ऐड कर दी तो ऐड करने के बाद तो देख सकते हैं अगर आपने दूसरी इमेज ऐड कर दी और उस इमेज का भी बैकग्राउंड इरेज कर दिया और उस इमेज को अगर पीएनजी में सेव कर दिया तो बड़े आसान तरीके से मतलब वो इमेज गैलरी में पीएनजी के फॉर्म में सेव हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे एक बात आती है कि आप किस फॉर्मेट में आपको इमेज को सेव करना है। तो यार सबसे पहले आपको पीएनजी की फॉर्मेट में इमेज को सेव करना है। तो इस तरीके से हमने एक पीएनजी इमेज को तो एक्सपोर्ट कर लिया, लेकिन एक और एक तरीका है जिस उस तरीके से मतलब आप आसानी से मतलब इससे भी और आसानी से मतलब किसी भी इमेज को पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो उसे करने के लिए हमें सबसे पहले बैकग्राउंड इरेजर से एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। ये आपको प्ले स्टोर पर सर्च करने के बाद ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लोड ऑफ फोटो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको जो इमेज पीएनजी में कन्वर्ट करनी है उस इमेज को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है।
तो मैं यहां पे इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूं, यहां पे मैं डन पर क्लिक कर देता हूं। मतलब क्रॉप का भी ऑप्शन यहां पे पूछता है और जितना क्रॉप कर सकते हो उतना आप क्रॉप करना है, उतनी आपको आगे आसान होगी। यहां पे बहुत सारे अपने ऑप्शन आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। यहां पे ऑटो वाला एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन को अगर आप क्लिक करोगे तो यार जितना वो कलर है उतना पूरा का पूरा इरेज हो जाएगा इस तरीके से। यहां पे मैजिक का एक फीचर है इस तरीके से, मतलब जो इरेज करना है वही इरेज हो जाएगा और जो इरेज नहीं करना है उसका मतलब बैकग्राउंड यहां पे नहीं इरेज होगा। तो ये और एक तरीका है और ये तरीका हो गया। मतलब सब कुछ आप इन सब फीचर को आप मतलब एक एडजस्ट भी कर सकते हो। यहां पे देख सकते हैं मैं एडजस्ट कर रहा हूं एक्सपेक्टेड मैजिक साइज। तो यहां पे एसी भी साइज यहां पे मैं इरेज कर देता हूं। यहां पे भी देख सकते हैं मैंने इतना इरेज कर दिया। यहां पे एक मैनुअल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है जो आपको अदर मतलब बैकग्राउंड इरेजर में देखने को मिलता है, इसे आप मैनुअली मतलब जो चाहे वो इरेज कर सकते हो। यहां पे रिपेयर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो आपको रिपेयर करना है वहां पे, यहां पे आप रिपेयर कर सकते हो। ज़ूम के ऑप्शन की मदद से आप यहां पे ज़ूम कर सकते हो और मैनुअल की मदद से मतलब जो ज़ूम करते वक्त मतलब ज़ूम अगर आपने किया है तो जो आप मतलब रिपेयर करना चाहते हो वो भी आप रिपेयर मतलब जो यहां पे आपको मिस्टेक हो गई वो आप मिस्टेक यहां पे आप करेक्ट कर सकते हो। यहां पे मैनुअल की मदद से मैं यहां पे इसके पूरे मतलब इस साइज को यहां पे बैकग्राउंड का यहां पे मिरर्स कर देता हूं। तो आप देख सकते हो गाइस मेरा जो PNG है वो यहां पे इमेज क्रिएट हो चुकी है। तो आप यहां पे मैं एडजस्ट भी कर सकता हूं कितना मतलब स्मूथनेस चाहिए होगा। तो आप देख सकते हैं मैं यहां पे इसको सेव भी कर देता हूं। सेव करने के बाद ये इमेज सीधे मेरी गैलरी में सेव हो गई। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मतलब आप बड़े आसान तरीके से PNG इमेज को क्रिएट कर सकते हो। और ये तरीका बहुत ही आसान है गाइस और बड़े आसान तरीके से मतलब PNG इमेज क्रिएट हो जाती है। अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो तो उस वीडियो में अगर आप PNG इमेज डालोगे तो बिना बैकग्राउंड के मतलब जो चाहिए वो यहां पे आप शो कर सकते हो उस वीडियो एडिटर में। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें होते जिन मतलब यहां पे इन PNG इमेजेस का बहुत यूज होता है। तो उस वीडियो में मैंने बता दिया कि आप PNG इमेज पिक्सेल ऐप या फिर बैकग्राउंड इरेजर की मदद से कैसे बना सकते हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका था। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर कर सकते हो। अगर कोई भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यही था इस वीडियो में, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।